मेरे सामने एक ड्रोन है, ये ड्रोन खेतीबाड़ी वास्ते इस्तेमाल होता है, दवाई छिड़क रहा है ये ड्रोन से, ये तुसी कैमरा देख रहे हो, रिमोट के उत्ते कैमरा भी दिखाई दे रहा है, 25 किलोमीटर की स्पीड से पर हावर से उड़ सकता है। 8 घंटे डेली इनू इस्तेमाल किया जाए तो 20-25 एकड़ जोड़े ने वो आराम नाल डेली कर सकता, साल च 200 दिन स्प्रे वरतों जा सकता। कणक सी उत्तों असी इन्हों एक ट्रायल करवाया सीगा ते उहदा रिजल्ट जिहड़ा सीगा वो बहुत वधिया आ। इसको उड़ाने के लिए एक ड्रोन पायलट का एक लाइसेंस बनता है, तो लाइसेंस की लोड रहती है। जिहड़ा टैंक है जिहदे च आपां उह दाणे वाली खाद जिहड़ी आ उह टैंक च पा देणी आ, थल्ले उहदे इक डिस्क लगी हुई आ जिहड़ी कि घूमदी आ बड़ी तेजी नाल, जदों खाद उहदे तवे ते जां उह डिस्क दे उत्ते पैणी आ तां उहने जिहड़ा है उहनूं खिलार देणा खाद नूं। लुधियाणा के पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी तो अजिही खोज दिखाण जा रहे हैं कि वह भी असी ड्रोन की गल करांगे, पर यह ड्रोन खेतीबाड़ी वास्ते इस्तेमाल होंदा और दवाई छिड़कण वास्ते अते खाद खेतों के पाण वास्ते होंदा। और लुधियाणा के पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी के मैं खड़ा और मेरे नाल डॉक्टर मनजीत ने जिहड़े इंजीनियरिंग विभाग के प्रधान विज्ञानिक ने। किवें देखिए जी इस ड्रोन नूं, क्योंकि अक्सर जदों ड्रोन की तस्वीर दिमाग दे विच आउंदी आ तां असी उही विआह शादियां दे फंक्शनां दे विच पहुँच जाने, फोटोग्राफी दे विच पहले इस्तेमाल होंदे सी। ये ड्रोन की खोज किवें कीती और मैनूं समझाओगे टैक्निकल कि एक ड्रोन किवें काम करदा है, ये कित्थे कित्थे दवाई पैंदी है और कित्थों कित्थों ये पाइपां तों ये छिड़की जाती है। सो इहदे च जिद्दां आपां अज गल्लबात कर रहे हैं ड्रोन की, ड्रोन का जिहड़ा इस्तेमाल खेतीबाड़ी च किवें करना है, इहदे असीं तजर्बे पिछले 5-6 सालों तो कर रहे हैं, तो बड़ी लाहेवंद चीज़ आ, बड़ी लाहेवंद टेक्नोलॉजी आ ये, क्योंकि जिवें पहला देखा गया जी स्प्रे करते सी तां जिहड़ी लेबर चाहीदी आ, फिर वो जिहड़ी जदों स्प्रे करना तां जिहड़ा स्प्रे क्योंकि वो कीटनाशक आ वो दवाई आ वो थोड़ा गलत भी वह असर हुंदा है, मतलब ह्यूमन आदमियों पर या ह्यूमन पर, तो वह क्योंकि डायरैक्ट इन टच आ पिछे वो ढोली जी पिछे बंदे दे पिछे लगी हुई आ, सो उहदे नाल डायरैक्ट इन टच आ तो उहदे च कई बारी कोई थोड़ी दुर्घटना होने की भी संभावना होंदी आ। सो इहदे च तुसीं देखोगे ड्रोन बिल्कुल दूर उड़ रहा, जे पायलट जिहड़ा उड़ा रहा उहनूं जिहड़ा ट्रेन्ड पायलट आ वह दूर उत्थों उड़ा रहा, सो उह संभावना बिल्कुल ही खत्म हो जाती है जिहड़ी कोई एक्सीडेंट होने की संभावना होंदी उहदी। हाँ सो ये जिद्दां तुसीं देख रहे हैं इहदे च ड्रोन जिहड़ा 6 रोटर लगे हुए ने, सो ये 6 रोटर जिहड़े ने इहदे नाल जिहड़ियां है मोटरां लगियां ने, सो इहनूं जदों उड़ाउण विच जिहड़ियां है ये मोटरां ते इंपैलर जिहड़े लगे ने प्रोपैलर जिहड़े लगे ने इहनूं उड़ाउण च सहाई हुंदे ने। सो इहदे थल्ले ही तुसीं डायरैक्ट देख रहे हैं भी नोजलां लगियां होईयां जिहड़ियां स्प्रे वालियां, सो स्प्रेइंग सिस्टम जिवें इक ट्रैक्टर वाला स्प्रेइंग सिस्टम है वह वड्डा हुंदा है, ये छोटे स्केल जिहड़ा है पूरा स्प्रेइंग सिस्टम असी यूनीवर्सिटी वालों भी इहनूं पिछे जे रिकमेंडेशन इहदी दित्ती है, स्प्रेइंग सिस्टम जिहड़ा इहदा स्पैशली इहदे लई बनाया गया ड्रोन लई। सो इहदे च उस तरह ही जिवें इक पानी दा टैंक तुसीं देख रहे हैं 10-12 लीटर पानी दी जिहड़ा पानी दे विच जिहड़ा है घोल उहदा कीटनाशक दा मिला के इहदे विच पाया जांदा है, सो उदों बाद इहदे च पंप लग्गिया होया, पाइपां लगियां ने, सो नोजलां लगियां ने स्पैशलाइज नोजलां ने जिहड़ियां कि ड्रिफ्ट घट करदियां ने, सो इस तरह सारा स्प्रेइंग वाला सिस्टम जिहड़ा है वह असीं यूनीवर्सिटी वालों रिकमेंड किया पिछे जे, तो ये जिहड़ा है स्प्रेइंग लई स्पैशली किसी भी फसल वास्ते और किसी भी स्टेज फसल दी है उहदे वास्ते जिहड़ा है वरतों च लिया जा सकदा। अच्छा डॉक्टर मनजीत, ये जिहड़ियां नोजलां ने ये मतलब अगर आपां गिनती करदे 6 नोजलां ने ये थल्ले जिहड़ा ये टैंकर है। हाँ जी आ टैंक है जी पानी वाला, तो ये थल्ले तुसीं देखोगे पंप है उहदे नाल आ पाइप्स ने, इन्हां पाइपां दे थ्रू जिहड़ा आ नोजलां च जिहड़ा है स्प्रे आ जांदा, जिद्दां इह तुसीं देख रहे 4 नोजलां ने ये, सो ये इन्हां 4 नोजलां जिहड़ा है स्प्रे इक सार इक्को जिहा जिहड़ा है वह हो जाता है, तो फसल तो आपां इहदी डिस्टेंस या इहदी दूरी या उड़ाउण दी इहदी जिहड़ी हाइट है वह आपां 2-3 मीटर तो ज़्यादा नहीं रखनी, ताकि स्प्रे जिहड़ा है वह फसल दे विच इहदा इक होर फायदा हुंदा है जदों इहने उड़ना है ना इहदे जिहड़े रोटर ने या जिहड़े आह प्रोपैलर ने इन्हां ने जदों इहदे थ्रस्ट नाल फसल ने थोड़ा हिलना है, जदों फसल ने हिलना है तो स्प्रे ने बिल्कुल अंदर तक चले जाना उहदे, सो उहदे नाल बहुत वधिया कंट्रोल जिहड़ा है जिन्ने भी कोई कीट्स ने या जे कोई
फंजीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, कोई फंगस है, कोई भी बीमारी है, तो बहुत वधिया तरीके नाल हल हो सकता। मेरे जहन दे विच गल आई क्योंकि ड्रिप सिस्टम लगे ने, वो जिहड़े किसान दवाइया का छिड़काव करते हैं जो कीटनाशक दवाइया का, वो ज़्यादा भी दिती जाती है, ये जी दवाई छिड़की जाएगी फसलों ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी? कई बार खबर आदि ने दवाइया ज़्यादा छिड़कती फसल प्रभावित हो जाए ने, पर ये दवाई उन्नी कु छिड़की जाएगी जिन्ना को आप टैंकर पाई? बिल्कुल बिल्कुल, यदा डोज जोड़ा है जिनी डोज आप देनी चाहते हैं वो एक सार स्प्रे होंगी है, तो जी है वो क्योंकि स्पीड एक तो चल रहा ना मोटर ने उन्होंने कंट्रोल जो आपू कमांड देती उस हिसाब न उन्नी स्प्रे लगातार एक सार फसल जी है वह पैंती रही है। ये ड्रोन अपने आप दे विच किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, और मैं उस पायलट नाल भी गल करांगा जिहड़े पायलट इसनू रिमोट दे नाल इसनू चला रहे ने, इस दे लई की ट्रेनिंग की लोड़ हैगी है, इस ड्रोन नू किसानों नू ट्रेनिंग देने की लोड़ है, या किसानों के खेतों के या किसी ने इसनू किराए ते लिता या अपना खरीद लिया तो वह ट्रेनिंग लै सकदा? असी सबसे पहले दिल्ली में ड्रोन डेस्टिनेशन एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग करवाती है, तो वहाँ पे ड्रोन पायलट कम इंस्ट्रक्टर की हम लोग ट्रेनिंग किए हैं, मैं डॉक्टर संतोष और डॉक्टर मंजीत ये सर भी करे हैं ट्रेनिंग वहाँ से। और इसके लिए जैसे कि फार्मर के लिए आपने पूछा है कि किसान भाई हैं तो अगर उनको उड़ाना है तो उसमें किस तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी, तो इसको उड़ाने के लिए एक ड्रोन पायलट का एक लाइसेंस बनता है, तो लाइसेंस की लोड रहती है क्योंकि DGCA जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत, तो वो ये सारी चीज़ों पे निगरानी रखते हैं, तो एक लाइसेंस की तो लोड है पायलट की इसको उड़ाने के लिए। और तो पढ़ा लिखा होना भी जरूरी होगा क्या? पायलट की जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास रखी गई है, जो नॉर्मली थोड़ी सी अंग्रेजी भाषा या थोड़ी ये जो सिस्टम है हमारा रिमोट कंट्रोल है या टेक्निकली जो थोड़े से इसके पुर्जे हैं ड्रोन के उसके बारे में थोड़ी जानकारी रखता है, वो कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन की बहुत लोड नहीं है इसके लिए। और जैसे आप देख सकते हैं कि मोबाइल अब शुरू शुरू में आए थे एंड्रॉयड, तो क्या सारे बच्चे यूज़ करते हैं कम पढ़े लिखे जो भी हैं? मेरे को एक बैटरी के बारे में बता दो, बैटरी कितनी चलती है? दूसरा मेरे को बता दो कितने किलोमीटर तक इसको, अगर 100 एकड़ ज़मीन है तो कितना किलोमीटर तक चल सकता है ये बैटरी? इसका जो कैपेसिटी है इसमें 2 बैटरी लगी हुई है, एक ये दोनों बैटरी सीरीज़ में करीब 50 वोल्ट एट जब फुल्ली चार्ज होती है तो 50 वोल्ट रहता है इसका, जब ये डिस्चार्ज हो जाती है तो 44 वोल्ट पे ये पूरी डिस्चार्ज हो जाती है, और ये ड्रोन जैसे कि हमको वापस लाना पड़ता है, लैंड कराना पड़ता है। और इसका जो फ्लाइंग टाइम है ये 20 मिनट है फ्लाइंग टाइम, एक बैटरी से आप 20 मिनट तक इसको केमिकल, अगर आप बैटरी का स्टॉक रखोगे तो और भी चला सकते हो? हाँ, अगर आपके पास जैसे नंबर ऑफ बैटरी सेट है तो आप करीब 4 बैटरी सेट अगर ले रखते हैं तो पूरे दिन के लिए आप 8 घंटे जो काम करते हैं हम पर डे उसके लिए मतलब सफिशियंट रहेगा। ये डॉक्टर संतोष ये रिमोट है मेरे को पूरा जड़ा बनया हुआ ये रिमोट है, इसमें जैसे इसको थ्रोटल अप डाउन, इससे क्या है कि ड्रोन को ऊपर नीचे किया जा सकता है, इसमें लेफ्ट और राइट यहाँ पे टर्न लेने के लिए इसमें कैमरा भी लगा है अंदर, इसमें एक कैमरा है जो ड्रोन के अंदर कैमरा लगा, ड्रोन के आगे साइड में एक कैमरा है जो कि हमको ये दिखाता रहता है कि ड्रोन कितनी दूरी तक ये चला गया, वहाँ रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं जैसे फोटोग्राफी में रिकॉर्डिंग होता है? नहीं, इसमें रिकॉर्डिंग सेव करने का ऑप्शन नहीं है, ये लाइव ही दिखाता है। रिकॉर्डिंग सेव करने का भी हो सकता है? हाँ, सेव करने का, अगर कोई इसमें मेमोरी कार्ड इसमें अगर इस तरह से प्रोग्रामिंग कर दी जाए तो इसमें जो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। अच्छा डॉक्टर मजीद, मेरे जहन दे विच आ रहा है, मैं डॉक्टर संतोष नाल गल कर रहा सी, इहदे उत्ते सबसिडी भी है सरकार वालों, इन्होंने एक गल की है टैक्निकली किसान तो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे नहीं, ये कहते 10वीं जरूरी है, तो यह किवें फिर इस्तेमाल हो सकता वह भी दस दो। सो ये भी चलना तो किराए पर है ज़्यादा, ये साड़ी जड़ी असी कोई कैलकुलेशन की ने सू लगता भी हरेक पिंड एक ड्रोन होना चाहिए है। सो वो ड्रोन किराए पर चले वो सारिया फसलों से इस्तेमाल हो सकता, तो यदी सरकार सबसिडी भी दे रही है, जे थोड़ा मिलके जे रल के किसान ला लेंगे ने तो ईवन 80% तक सबसिडी हैगी। मतलब किसान लैके किसी नू अगे पॉइंट कर सकते हैं भी ओनू पायलट का लाइसेंस दवा सकते उन्हें? हाँ, उन्होंने अगों बच्चा कोई पढ़ा लिखा होवे, कोई घर च कोई होवे जिहड़ा इहदे च रुजगार लैना चाहुंदा तो बड़े वधिया रुजगार का एक साधन हो सकता है। सो उहदे च जिहड़ा जे असी ये भी कैलकुलेशन की है भी 8 घंटे डेली
इनू इस्तेमाल किया जाए तो 20-25 एकड़ जोड़े ने आराम डेली कर सकता तो 200 दिन ये कम जोड़ा है चल सकता 200 साल 200 दिन स्प्रे वरतों जा सकता 2 साल यदि कीमत मुड़े आँदी है तो शब्दों के कीमत मुड़न की गल की है किन्ने रुपये इस हिसाब के नाल किराए तो कोई किसान लगा तो किन्ने रुपये के हिसाब के वो पैसे कमा सकता ये तकरीबन 400 रुपया ये पैंता जोड़ा खर्चा इनू चला किले का एक एकड़ का 400 रुपया पैंता तो जे 100 रुपया मार्जिन रख के वह चला रहे 500 रुपया चार्ज कर सकता किराए से जो चला उन्हें सो किसान वास्ते काफ़ी लाहेमंद बंद है ये ड्रोन और असी उन्होंने उड़ा के भी दिखाएंगे तुम देखो हूँ वो जो थ्रस्ट पै रहा रोटर्स का थले फसल से जो कैमरा मारोंगे ना तो थोड़ा नज़र आएगा भी वह पूरी फसल में हिला रहा तो उपरों स्परे जी है अंदर तक जा रही है वो स्परे जे जे कोई वही फसल ये तो चलो मूंगी है ना जे कॉटन वगैरह या होर जी गन्ना है उच्ची फसल है जी उसको पूरा थ्रस्ट नाल जो उन्हें फसल में हिला देना तो स्परे वो अंदर तक जानी है ये पूरी तरह दवाई छिड़क रहा ये ड्रोन से ये कैमरा देख रहे हो रिमोट के उत्ते कैमरा भी दिखाई दे रहा और तकरीबन 25 किलोमीटर तक है 25 किलोमीटर की स्पीड से उड़ सकता है 25 किलोमीटर की स्पीड से पर हावर से उड़ सकता सो असी लुधियाना पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी नाल होर भी जुड़िया खोजा ये मैं एक थोनों होर भी फीडबैक साढ़े ना असी पिछे जे जदों इहदा सीजन निकलिया अपने कणक वाला उहदे च लास्ट स्टेज ते फंगीसाइड की स्परे कई पिंडां च जिहड़ी आई कंपनी ने करवाई उहदे च एक फार्मर अपने नाल ने उहदा फीडबैक भी आपां लै सकदे आ सो मेरे नाल फार्मर भी है फीडबैक दसो की सर ये जो रिजल्ट है जी वो बेस्ट आए हैं असी पहला PAU ने कॉन्टैक्ट किया भी असी पहला एक एक किले के स्परे करा के देखनी सी भी जो ये रिजल्ट आ बेस्ट आ रहा तो असी अगे तो जो जो साढ़े जो 10 किले आ तो असी वह भी तजर्बा करके देखिए असी फिलहाल जी जी कणक की क्रॉप निकल के हटी आ जो कणक सी उस तो असी इन्हों एक ट्रायल करवाया तो रिजल्ट जो बहुत वधिया आया वा हुण असी वो ड्रोन दिखाने जा रहे हैं जड़ा फसलों के अंदर जाके खाद का जड़ा वो छिड़काव करेगा कितनी खाद चाहिए है किस हिसाब के नाल चाहिए है ये वो ड्रोन है पहला ड्रोन जड़ा सी वो दवाई छिड़काव करते असी तस्वीर दिखाई और हुण दूसरा ड्रोन जड़ा ये खाद पाई है और खाद कितनी को देगा खेतों के दे जाके सो जिदा तुसी देख रहे हैं भी पहला जो ड्रोन सी वो स्परे वाला सी दूसरा जड़ा ये हुण तुसी देख रहे हैं ये हैगा खाद खिलारन वाला ये जड़ा है सिस्टम खाद खिलारन वाला तुसी देखोगे भी थले वो डिस्क लगी हुई है तो जड़ा टैंक है जिदे च आपां खाद पा देनी है खाद ग्रैनुलर जिहड़ी दाने वाली खाद है मतलब वो दाने वाली खाद जिहड़ी आ वो टैंक च पा देनी है थले उहदे एक डिस्क लगी हुई है जिहड़ी कि घूमदी आ बड़ी तेजी नाल मोटर नाल उहनूं घुमाया गया सो उहदे नाल जदों खाद उहदे तवे ते या उह डिस्क दे उत्ते पैणी आ उन्हें जड़ा है उन्हें खिलार देना खाद नूं खेत अच्छा, मैं समझा कि दोनों ड्रोन इक्को जे ने ड्रोन सेम है ड्रोन च कोई फर्क नहीं बस सिस्टम तुसी चेंज करता उहदे च दवाई हाँ उहदे दवाई वाला टैंक आ ते नोजलां ने ते बाकी पाइपां सारा वो सिस्टम आ स्प्रे वाला ओही है मुल ओही है सबसिडी ओही है सब कुछ सब सेम है सब सिर्फ जड़ा है खाद खिलारन वाला सिस्टम जड़ा इहदे थले भी लगाता हाँ एक होर जिहड़ी गल मैं जरूर ऐड करांगा ये नहीं भी तुसी हुण दो ड्रोन लैने आ एक ड्रोन ते ही दोनों सिस्टम फिट हो सकते हैं जिदा तुसी देख रहे हैं ये भी नोजलां लगियां हुई ने सो एक ड्रोन ते भी दोनों सिस्टम फिट हो सकते हैं असी तो क्योंकि रिसर्च कर रहे हैं R&D करते हैं तो असी थोड़ा जिहा इहनूं अलग रख्या अदरवाइज जे फार्मर ने जिमीदारा ने वरतना है तो एक ड्रोन ते दोनों सिस्टम भी लग सकते हैं डॉक्टर मनजीत किसानों की मैसेज दोगे सो मैसेज तो यही आ भी ये जड़ा है ये तकनीक या ये टेक्नोलॉजीज़ नवीं ने हौली हौली इन्हों की स्टैंडर्डाइजेशन हो रही है सो इन्हों इस्तेमाल कर जिथे जिथे मतलब संभावना ज जिथे जिथे मिलते हैं किराए तो हाँ ये जरूर मैं कहना चाहूँगा भी खरीदने की लोड़ नहीं जिमीदारा किराए तो चलने ने सो हजे तुम किराए वाली कंपनियां जी हौली हौली आ रही ने स्टार्टअप ये आ रहे हैं सो उन्होंने तो तुम ट्रायल लवाओ पहला अपनी तसली करो पूरी फिर उस तो बाद जो है जिमें थोड़ा मन बनता है भी स्प्रे करवानी है या खाद छिड़कनी है कि फसल अच्छ कि फसल तुम बीजते हैं स्पैशली गन्ने की फसल नरमे की फसल या जोड़े बाग ने बागों दसल बागों वास्ते जोड़ा है बड़ा वधिया जोड़ा है ये तकनीक स्प्रे करने लई ते खाद खिलारन लई वरती जा सकती है सो अगर किसान इन्हां तस्वीरां नूं देख रहे हैं तो लुधियाना पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी के आके डॉक्टर मनजीत नूं मिल सकते हैं
जिहड़े प्रधान विज्ञानिक भी ने। मैं दोबारा फिर पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी की किसी होर खबर किसी होर खोज के नाल जुड़ांगा। मेरे कैमरामैन गुरदेव और मैनू नवीन शर्मा इजाजत दिओ इस उड़दे ड्रोन के नाल।